क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, ये है हमारा इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय अंडर रूट 7 - 6x -x². अब हम इसमें क्या करेंगे, ये -6x लिखा हुआ है तो इसमें ये जो -6x जो x का कोफिशियंट है, इस x के कोफिशियंट का हाफ का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हाफ होगा 3, 3 का स्क्वायर यानी कि हम 9 एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार हम ऐड करेंगे, तो इससे हमारे इस इंटीग्रल पार्ट पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन, अब 7 + 9 हमारे ऐड हो सकते हैं, तो 7 + 9 हमारा हो जाएगा 16 -6x -x² -9। इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइड बाई और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस, ये हमारा हो जाएगा 6x -6x +x² +9, हो जाएगा ये x² +6x +9, कुछ इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। एंड डीएक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 को हम टी मान लेंगे, तो डीएक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा डीटी, और अब हम लिख सकते हैं डीटी अपॉन अंडर रूट में लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये देखिए, ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये ऊपर फॉर्मूला इसका लिखा हुआ भी है, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स टी अपॉन 4। और अगर हम एक्स की वैल्यू रख दें यहां पर, टी की वैल्यू रख दें यहां पर साइन इनवर्स, तो टी की जगह पर आ जाएगा एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा।